मुझे प्रेगनेंसी में जुखाम हो गया है, नाक भी बंद है, रात को सोया भी नहीं जाता, सीने में बहुत जकड़न महसूस हो रही है। जब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही तो ऐसे में मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। इस तरह के बहुत सारी माँ के अंदर क्वेश्चन जागते हैं और पूछती भी हैं वो कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल माई लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज का टॉपिक है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सर्दी होने पर क्या करना चाहिए। सर्दी या फिर फ्लू होना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हैंडल करें इन सब चीजों को। सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रेगनेंसी में सर्दी होना क्यों रिस्की हो सकता है। इम्यून सिस्टम प्रेगनेंसी में नेचुरली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ भी जाता है। इसमें से एक कॉमन इन्फेक्शन है सर्दी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम अब डिस्कस करेंगे कुछ स्टेप्स जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ऐसी सिचुएशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको सर्दी हो गई है तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। वो आपको सही गाइडेंस देंगे और आपके और आपके बेबी के हेल्थ को मॉनिटर भी करेंगे। अब बात करते हैं कुछ सेफ होम रेमेडीज़ की, जो आपको सर्दी में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कोई भी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। जैसे कि गर्म पानी में आप अदरक और हनी मिलाकर के पी सकते हैं, इसकी मात्रा थोड़ा कम ही रखिएगा। आप स्टीम ले सकती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ माना गया है। आप सॉल्ट वाटर से गार्गल भी कर सकती हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये सब सिंपल होम रेमेडीज़ हैं जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में रेस्ट और हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और हाँ, अपने फ्लूइड इनटेक को भी बढ़ाएं। गरम सूप लीजिए, हर्बल टीज पीजिए और वाटर से हाइड्रेट रखिए अपने आप को। अगर आपको लगता है कि ये सब ट्राई करने के बावजूद आपकी सर्दी सीवियर हो रही है, सिम्टम्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो बिना वेट किए तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको इमरजेंसी साइन जैसे कि हाई फीवर, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ या फिर चेस्ट पेन हो तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में सर्दी का इलाज तो करना बहुत आसान है और पॉसिबल भी है। बस कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है और राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे समय में जब आप गर्भावस्था में हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। टेक केयर, stay healthy and see you soon. Bye.